नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे UC 3842 आईसी होती है उसके बारे में करेंगे आज, उसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल। तो बेसिकली ये आईसी इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यूज होती है पावर सेक्शन के अंदर, जैसे हमारी पावर सप्लाई है, सीसीटीवी की पावर सप्लाई है, या कंप्यूटर की पावर सप्लाई है, या कोई चार्जिंग सेक्शन है, या कोई अडाप्टर है, उसके अंदर सबसे ज्यादा UC 3842 IC PWM का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये IC जो होती है PWM ऐसी होती है, इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है और ये 8 पिन के अंदर आती है। तो इस IC की वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल के बारे में करेंगे, क्योंकि इसके लिए मुझे काफी कमेंट आए थे कि सर इसकी वर्किंग, इसकी पिन डिटेल और टेस्टिंग किस तरह होगी, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। तो जिन जिन के कमेंट आए हैं थोड़ा सा उनका देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कमेंट किया हुआ और क्या कुछ वो पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर है दीपक कमलेश जी, दीपक कमल जी हैं, जो इन्होंने पूछा है कि सर इसके अंदर 12V के यानी 12 वोल्ट की सप्लाई में 4 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, तो चाहे ये सप्लाई कोई भी है, TL494 हो या 3842 हो, इसके अंदर सबसे ज्यादा कि जैसे ये 12 वोल्ट की जगह अगर 4 वोल्ट आ रहे हैं, तो इसका जो आउटपुट के अंदर प्री सेट लगा होता है, जैसे हमारी जहाँ पे पिने लगती हैं डीसी की, जो आउटपुट वायर निकलती है या डीसी पिन जो यहाँ से पास आउट होती है बाहर निकलती है, वहां पे एक वेरिएबल लगा होता है जिसे हम प्री सेट बोलते हैं, वो जब खराब हो जाता है तो आपकी सप्लाई के 5 वोल्ट या 4 वोल्ट रह जाते हैं। अगर आपकी सप्लाई के अंदर वेरिएबल यानी प्रीसेट लगा हुआ, तो उस प्रीसेट को आपको चेंज करना पड़ेगा, या जिस साइड उसकी 2 पिन होते हैं, तो टोटल 3 पिन का होता है, एक तो सिंगल पिन होती है एक साइड और 2 पिन ज्वाइंट में होती है, तो उन 2 पिन को अगर आप जोड़ दोगे तो आपकी सप्लाई के आप चेक करोगे वोल्ट, तो 12 वोल्ट पूरे हो जाएंगे, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। 12 वोल्ट सप्लाई उसके अंदर जो वेरिएबल लगा है वो आप नया लगाइए, जहाँ उसे शॉर्ट करके चेक कर लीजिए, आपकी पावर सप्लाई 12 वोल्ट प्रॉपर देने लगेगी। अगर उस सप्लाई के अंदर प्रीसेट नहीं लगा हुआ है फिर भी आपके वोल्ट कम आ रहे हैं, तो आपके अंदर इसके अंदर जो आईसी लगी होती है उसे चेंज करके आपको देखना पड़ेगा, और आउटपुट के अंदर कैपेसिटर लगे हुए हैं और आउटपुट के अंदर ब्रिज डायोड लगे हुए हैं, उसको आपको चेक करके चेंज करना पड़ेगा। तो दूसरा जो हमारा अपने कमेंट आया हुआ है वो है हमारे दिलशाद जाफर, जिनका नाम है 101, उनका चैनल का नाम लिखा हुआ है इसके अंदर। तो उन्होंने उन्होंने कहा है कि उनके पास जो पावर सप्लाई है वो चलती चलती बंद हो जाती है, तो आपको सप्लाई के अंदर जो कंपोनेंट है वो डी सोल्डिंग कंपोनेंट यानी ड्राई अगर कंपोनेंट हो जाए या डी सोल्डिंग हो जाए, तो उनको आपको चेक करना पड़ेगा कोई ऐसा कंपोनेंट तो नहीं है कि जो सर्किट से हट गया हो, यानी सर्किट से ड्राई सोल्ड हो गया, और उस कंपोनेंट को आप चेक करके अच्छे से सोल्डिंग कर दीजिए, आपकी सप्लाई ओके हो जाएगी। अगर फिर भी आपके जो सप्लाई पावर सप्लाई बार बार बंद हो रही है, तो आउटपुट के अंदर जो कैपेसिटर लगे हैं उनको चेक कीजिए, अगर वो फूल गए हैं या खराब हो गया तो भी आपकी सप्लाई बार बार ये खराब हो, तो आप उनको चेंज कीजिए, आपकी सप्लाई पावर सप्लाई ओके हो जाएगी। और जो इसके बाद तीसरा कमेंट है, इन्होंने अपना नाम नहीं मेंशन किया यहाँ पे, तो इन्होंने लिखा है कि इनके पास जो एक पावर सप्लाई है, तो उसके अंदर जो सॉरी 3842 जो आईसी है उसकी पिन नंबर 5 और 6 के अंदर शॉर्ट के आधार पे उसको किस तरह हम चेक करेंगे, उसकी वर्किंग टेस्टिंग और किस तरह होगी उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, उसकी वर्किंग टेस्टिंग और पिन डिटेल 3842 IC की। तो आज का हमारा जो टॉपिक है IC 3842, इसके बारे में करेंगे, इसके 8 पिन के बारे में वर्किंग और टेस्टिंग। तो आपके सामने ये 8 पिन की आईसी है, जिस तरफ ये डॉट लगा होता है आईसी के, जिस तरफ ये डॉट लगा होता है वो साइड जो इसकी पिन नंबर 1, उसके बाद पिन नंबर 2, फिर 3, फिर 4, 4 के बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, तो टोटल इस तरह इसकी पिन डिटेल होती है, और इस तरह इसकी आईसी के ऊपर नंबर मेंशन किया होता है। अब बात करते हैं इस आईसी की जो है पिन डिटेल किस तरह होगी।
तो ये आपके सामने ये देख सकते हैं UC 3842 IC है, इसकी पिन डिटेल किस तरह है। पिन नंबर जो एक है कंपोजिशन की पिन है, ठीक है। पिन नंबर दो जो है इसकी फीडबैक की पिन होती है। पिन नंबर तीन जो है करंट सेंस की पिन है। पिन नंबर चार RTO CTE पिन है, जिसे टाइमिंग सिस्टम बोलते हैं। पिन नंबर चार। पिन नंबर जो पाँच है इसकी वो GND होती है। पिन नंबर छः जो है इसकी आउटपुट है। पिन नंबर सात VCC की पिन है, यानी इसको ऑपरेट करवाने के लिए VCC सप्लाई। पिन नंबर आठ जो है इसकी V रेफरेंस की पिन है। ये तो IC की है पिन डिटेल, आपके सामने आप देख सकते हैं इस IC की पिन डिटेल किस तरह है। तो ये तो है इस IC की पिन डिटेल। अब इस पिन के आधार पर ये IC किस तरह काम करती है उसके बारे में करेंगे। तो उससे पहले कुछ इस IC के फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस IC के कुछ फीचर आप देख सकते हैं, इसके अंदर टाइमिंग ओसिलेटर सिस्टम, डिस्चार्जिंग सेक्शन ये इसके अंदर बना होता है। उसके बाद करंट मोड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसका वो 500 मेगाहर्ज का, यानी काफ़ी अच्छा है। 500 मेगाहर्ज काफ़ी अच्छा होता है, तो यानी ऑपरेटिंग कैपेसिटी इसकी 500 मेगाहर्ज की है, तो वो बहुत ही अच्छी है। 500 मेगाहर्ज 500 किलो हर्ज जो है इसका अच्छा है, यानी फ्रिक्वेंसी रेट। ऑटोमेटिक फीड फॉरवर्ड सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है, यानी ऑटोमेटिक हाई और लो के लिए इसमें काम, ये इंटरनल फीचर है इसके अंदर। लैस सिस्टम PWM सिस्टम साइकिल बाय साइकिल इसके अंदर बिल्कुल बना हुआ है। PWM सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है, जिससे ये साइकिल बाय साइकिल काम करती है। और टाइमिंग और रिफ्रेंश और अंडरवोल्ट लुकआउट सिस्टम यानी OVLO सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है। हाई करंट जो आउटपुट के लिए इसके अंदर, हाई करंट के लिए दो ट्रांजिस्टर लगा के स्विचिंग करा के आउटपुट ली जाती है, बिल्कुल बढ़िया इसके अंदर लगा हुआ है। और अंडरवोल्ट लुकआउट सिस्टम भी इसके अंदर लगा हुआ है सेक्शन। और जो इसका लो स्टार्टअप एंड ऑपरेटिंग करंट है, यानी ये कम खर्च में, यानी कम करंट के अंदर ऑपरेट अच्छे से हो जाती है और आउटपुट को अच्छे से चला सकती है। तो ये IC के कुछ फीचर हैं। अब बात करते हैं IC के इंटरनल सर्किट के बारे में। तो सबसे पहले आप इसके अंदर देख सकते हैं जो इंटरनल सर्किट किस तरह है। अभी हमने बात की थी OVLO यानी ओवरवोल्ट लुकआउट सिस्टम। तो इस IC के अंदर ओवरवोल्ट लुकआउट सिस्टम लगा हुआ है, जिससे ये ओवरवोल्ट होने के बाद इसको सेंस करके ही आउटपुट देगी। अगर इसमें कोई गड़बड़ होगी, वोल्ट ज़्यादा होंगे, तो ये IC को शट डाउन कर देगी, जिससे हमारा आउटपुट जो है वो ऑफ हो जाता है। इससे वोल्ट आउटपुट नहीं होते, जिससे IC भी खराब होने से बच जाती है और जो हमारा आउटपुट में MOSFET लगा होता है वो भी खराब होने से बच जाता है। और इस IC के अंदर क्या कुछ लगा हुआ ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो मैं बात करूंगी इसकी पिन नंबर एक की, तो ये पिन नंबर एक आप देख सकते हैं। इसकी पिन नंबर एक जो है इसकी जो हमारे एरर एम्पलीफायर पिन नंबर इसकी ये रही, ये कंपोजिशन की पिन होती है पिन नंबर एक, जिसकी जो कि एरर एम्पलीफायर के साथ जुड़ के ये इसको S और R सिस्टम को PWM लॉस सिस्टम होता है उसको ये सेंस करवा के इनपुट वोल्ट करवाती है, जिससे हमारा S और R सिस्टम का लैस सिस्टम काम करता है। किस किस को हाई पल्स देनी है, कब रोकना है, कब हाई पल्स देनी है, उस हिसाब से ये जो है कंपोजिशन की पिन के ऊपर वोल्ट आने के बाद काम में लिया गया है। पिन नंबर दो जो हमारी फीडबैक की पिन है, फीडबैक मीन इस IC को जो ये आउटपुट दे रहा है, यहाँ से आउटपुट का आउटपुट के बाद जो इसकी वर्किंग होगी उसका पूरे पूरा आउटपुट फीडबैक पिन पे दिया जाता है, ताकि ये IC कितने वोल्ट आउट निकाल के सही से निकाल रही है, लोड सही से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका फीडबैक मिलना इस IC को जरूरी है। उसी के आधार पे ये IC काम करती रहती है। अगर फीडबैक के अंदर कोई भी दिक्कत आती है आउटपुट के अंदर, तो फीडबैक के माध्यम से इस IC को सिग्नल दिया जाता है कि आउटपुट के अंदर शॉर्टिंग हो गया है या ओवरवोल्ट हो गया है, तो जिससे ये फीडबैक को सेंस करके ये इन सिस्टम को आउटपुट को बंद कर देती है। पिन नंबर दो तीन जो है हमारी करंट सेंस की है, यानी करंट को सेंस करना जरूरी है, जो कि MOSFET के साथ लगा होता है। MOSFET का जो भी करंट है उसको सेंस करने के लिए पिन नंबर तीन का यूज किया जाता है। उसी हिसाब से हमारा PWM सिस्टम काम करके आउटपुट देता रहता है इसको। अगर इसमें कोई भी दिक्कत आ जाए करंट सेक्शन के अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली इस IC को बंद कर देता है, जिससे आउटपुट ऑफ हो जाती है। यह है पिन नंबर तीन। तो इसके अंदर पिन नंबर चार ये रही पिन नंबर चार RTO CTE की पिन होती है। RTO CTE पिन क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक इसके ऊपर एक तो RT यानी रजिस्टर टाइमिंग लगाई जाती है, यानी एक रजिस्टर लगाई जाती है टाइमिंग के लिए, और
एक कैपेसिटर लगाया जाता है टाइमिंग के लिए, इसलिए इस पिन को आरटी और सीटी का पिन बोला जाता है। इन टाइमिंग की वजह से ये जो ऑसिलेटर सिस्टम होता है वो काम करता है, जिससे ये पल्स जनरेट करने में मदद मिलती है, यानी पल्स के अंदर जो टाइमिंग को जनरेट करता है, टाइमिंग यानी कम और ज्यादा किस टाइम को कब पल्स जनरेट करके आगे भेजनी है, तो उसके लिए आरटी और सीटी पिन का प्रयोग किया जाता है, जिसके ऊपर एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर लगाया जाता है। ये तो चार, पिन नंबर पांच जो इसकी जीएनडी यानी ग्राउंड होती है, पिन नंबर छह जो है इसकी ये आउटपुट है हमारी, यानी मॉस्फेट को चलाने के लिए आउटपुट पिन चाहिए। आउटपुट को जनरेट करने के लिए दो इंटरनल तौर पे ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं, जिससे एक ट्रांजिस्टर से हाई पल्स दूसरे से लो पल्स बनाई जाती है। जब ये आउटपुट हमारा हाई और लो फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, ये जाता है हमारे मॉस्फेट पर। मॉस्फेट भी इसी तरह से काम करता है, जब इस पे हाई पल्स जाती है तो ये ऑन होता है, जब इस पे लो पल्स आती है ये ऑफ होता है। जब ये हाई और लो 50 सेकंड पर सेकंड के 50 हर्ज पर सेकंड के हिसाब से ये हाई लो होंगे, तब यहाँ पे एक फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है, ये फ्रिक्वेंसी जाती है आगे हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर, वो आगे सर्किट के अंदर करेंगे हम। तो एक ट्रांजिस्टर हाई और लो किस तरह करता है, इस ट्रांजिस्टर को कलेक्टर पर पॉजिटिव वोल्ट दिए गए हैं और इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पे नेगेटिव वोल्ट दिए गए हैं। ये ट्रांजिस्टर यहाँ पे नेगेटिव पास आउट करेगा इस जगह पे, और ये ट्रांजिस्टर यहाँ पे पॉजिटिव पास करेगा, जिससे यहाँ पे हाई और लो फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है जब इन ट्रांजिस्टर को ये ड्राइवर सिस्टम जो ऑन करता है। तो ये तो थी इसकी आईसी की, ये पिन नंबर पांच इसकी मैंने बता दी आपको, ग्राउंड है, पिन नंबर तीन हो गई ये, पिन नंबर पाँच, पिन नंबर छः आउटपुट, पिन नंबर सात इसकी बीसीसी की पिन होती है, जिसपे 12 से लेके 30 वोल्ट की आप सप्लाई दे सकते हैं। पिन नंबर आठ वी रेफरेंस की पिन होती है, वी रेफरेंस मीन जो इसके अंदर 5 वोल्ट का, ये वी रेफरेंस जो वोल्ट होते हैं 5 वोल्ट के होते हैं, वी रेफरेंस वोल्ट जो कि हमारे वीसीसी से मिलके यूवीएलओ सिस्टम को दिया जाता है। और इस आईसी के सेफ्टी के लिए इस आईसी के अंदर 36 वोल्ट का एक जेनर डायोड लगाया जाता है, ताकि जब भी वोल्ट 36 वोल्ट से बढ़ जाए तो ये आईसी को कट ऑफ कर दे, यानी वोल्ट को, ताकि ये आईसी ओवर वोल्ट होने की वजह से आईसी खराब ना हो। तो ये तो है इंटरनल आईसी का सिस्टम। अब बात करेंगे कुछ सर्किट्स के बारे में जो कि इस आईसी को यूज करके बनाया गया है। तो ये आपके सामने एक 3842 आईसी आप देख सकते हैं किस तरह इसको सर्किट के अंदर लगाया गया है। तो इस सर्किट को चलाने के लिए सबसे पहले तो 3842 के अंदर चार ये पूरा इसके अंदर सिस्टम लगा के, उसके बाद चार ये डायोड लगा के, ब्रिज डायोड लगा के इस एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट किया जाता है, इस जगह पे पॉजिटिव और इस जगह पे नेगेटिव। ये लगभग आपको वोल्ट मिलेंगे 230 से लेके 240 वोल्ट जो कि डीसी होंगे। और उसके बाद ये जो हमारे पॉजिटिव वोल्ट और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव वोल्ट एक रजिस्टर यानी 220 किलो ओम की 2 वाट की रजिस्टर लगा के बीसीसी पिन पिन नंबर 7 पे वोल्ट दिए जाएंगे, और जो ग्राउंड वोल्ट है वो नेगेटिव वोल्ट है जो पिन नंबर 5 पे दिए जाएंगे, जिससे ये आईसी ऑन होगी। अब ऑन होने के बाद पिन नंबर 1 के ऊपर ये देख सकते हैं, पिन नंबर 1 का जो हमारी है कंपोजिशन की पिन है, उसके ऊपर एक रजिस्टर 4.7 के की और एक 100 के की रजिस्टर लगा के इसको कंपोजिशन वोल्ट दिए जाते हैं, वो भी नेगेटिव से यानी ये माइनस वोल्ट के लिए। पिन नंबर जो 2 है हमारी फीडबैक की पिन होती है, पिन नंबर 2 के ऊपर फीडबैक वोल्ट जो है हमारे जो ये हमारी जो ट्रांसफर वोल्ट जनरेट करेगा उसी का फीडबैक एक कॉइल ट्रांजिस्टर की एक वाइंडिंग के द्वारा एक जनरेटर डायल लगा के कंट्रोलिंग वोल्ट करके पिन नंबर 2 पे फीडबैक सिग्नल दे दिया जाएगा, जिससे आईसी को फीडबैक रेगुलर मिलता रहेगा और आईसी आउटपुट देती रहेगी। पिन नंबर 3 जो हमारी है ये देख सकते हैं आप, पिन नंबर 3 जो ये पिन नंबर 3 है ये हमारी करंट सेंस की पिन है। ये करंट को सेंस करवाने के जो मॉस्फेट की जो पिन होती है, सोर्स पिन होती है, उसी के साथ इस पिन को एक 1 के रजिस्टर के द्वारा पिन नंबर 3 को जोड़ा जाता है करंट को सेंस करने के लिए। ये करंट को क्या सेंस करती है, जैसे ही ये मॉस्फेट अपना आउटपुट जनरेट करके देता है आगे ट्रांसफार्मर को, तो उसमें से ये कितना करंट पास आउट करा के सिस्टम को ऑपरेट करवा रहा है उसको सेंस करने के लिए पिन नंबर 3 का प्रयोग किया जाता है। और जो पिन नंबर 4 होती है हमारी, ये रही आरटी और सीटी की पिन। इसको आरटी और सीटी की पिन क्यों बोला है, ये एक रजिस्टर लगाई गई है और एक
इसके ऊपर कैपेसिटर लगाया गया है। तो ये टाइमिंग को सेट करने के लिए आरटी और सीटी पिन का प्रयोग किया जाता है, जो कि पिन नंबर 4 पे होता है, जिसके ऊपर एक रजिस्टर लगा के और एक पीएफ कैपेसिटर लगा के पिन नंबर 4 पे वोल्ट। पिन नंबर 5 हमारी ग्राउंड है ये। पिन नंबर 6 आउटपुट है। आउटपुट के रूप में यहाँ पे आउटपुट वोल्ट जो है हमारे पिन नंबर 6 से वोल्ट आउट होते हैं, वो पिन नंबर 6 के वोल्ट एक रजिस्टर के द्वारा 15 ओम के रजिस्टर के द्वारा या 2 ओम के या 10 ओम के रजिस्टर के द्वारा MOSFET के गेट पे वोल्ट दिए जाते हैं। ये 15 ओम के रजिस्टर एक फ्यूजिबल रजिस्टर होती है जो कि करंट को ये पूरा पूरा पास आउट करती है, लेकिन अगर ये MOSFET किसी वजह से शॉर्ट हो जाए या ब्लास्ट होता है तो ये जो वोल्ट है बैक वोल्ट होते हैं वो इस आईसी के पिन नंबर 6 पे ना पहुंचे, इसलिए बीच में फ्यूजिबल रजिस्टर लगाई जाती है। जैसे ही ये बर्न होगा या कोई शॉर्ट सर्किट होगा तुरंत ये रजिस्टर जो कि बर्न हो जाएगी, जिससे यहाँ का जो इसका करंट का लोड है या फीडबैक करंट जो है पिन नंबर 6 पे नहीं जाएगा, जिससे आईसी हमारी सेफ रहेगी और आईसी को कोई खतरा नहीं होगा। पिन नंबर 7 हमारे वीसीसी की थी। पिन नंबर 8 जो है रेफरेंस की होती है, रेफरेंस वोल्ट की, जिसमें पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। पिन नंबर 8 पे पॉजिटिव सप्लाई 5 वोल्ट की होती है जो इंटरनल तौर पे काम करती है। तो ये तो है आईसी की, देख सकते हो किस तरह आईसी को सर्किट के अंदर लगा के इसको यूज किया गया। प्लस इस सर्किट के द्वारा हम कितने वोल्ट, 12 वोल्ट से लेकर 90 वोल्ट तक का वोल्टेज हम पास आउट इस आईसी से करवा सकते हैं आउटपुट के लिए। वो आपको डिपेंड करता है सर्किट के ऊपर, आपने किस तरह वो सर्किट को डिजाइन है या किस तरह आपने सर्किट को बनाया है। तो ये तो है इस आईसी की कुछ सर्किट के अंदर। अब बात करते हैं इस आईसी को चेक करने का मेथड क्या होगा, इस आईसी को किस तरह हम चेक कर सकते हैं ये आईसी खराब है या सही है। तो ये आपके सामने है इस आईसी का चेक करने का मेथड। तो सब बिल्कुल सिंपल है इस आईसी को चेक करने का। आपको सिर्फ वीसीसी पिन जो है पिन नंबर 7 और पिन नंबर 6 और पिन नंबर 5, ये 3 पिन ही आपको मेजरली आपको चेक करनी है, पिन नंबर 5, 6 और 7 बस। अब इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको जो पिन नंबर 6 का जो आउटपुट होता है उसके अंदर एक MOSFET लगा होता है, उस MOSFET को आपको सर्किट से बाहर निकालना पड़ेगा सबसे पहले। क्यों? क्योंकि अगर ये MOSFET शॉर्ट होगा, अगर आप ये आईसी चेक कर रहे हो ये MOSFET शॉर्ट है, तो इस आईसी की पिन के अंदर बीप आती रहेगी, तो आपको कंफर्म नहीं होगा कि आईसी सही है या खराब है या कौन सा कंपोनेंट खराब है। तो सबसे पहले आपने सर्किट में से इस MOSFET को बाहर निकालते हैं जो कि पिन नंबर 6 के ऊपर लगा होता है, और अगर बीप आ रही है इस पिन के ऊपर तो सबसे पहले इस MOSFET को बाहर निकाल के आपने MOSFET को चेक करना है शॉर्ट के लिए। तो MOSFET को चेक करने का बिल्कुल सिंपल तरीका मैं पहले बता चुका हूँ कि MOSFET का सोर्स पॉइंट और ड्रेन पॉइंट के अंदर वैल्यू आती है, वो भी एक साइड। अगर मल्टीमीटर को बीप की रेंज में आपने सेट किया है और सोर्स पिन और ड्रेन पिन के ऊपर आपने प्रोब लगाई है, तो उसके अंदर एक साइड वैल्यू आनी चाहिए। एक साइड का मीन्स रेड यहाँ पे रख के ब्लैक यहाँ पे प्रोब रखिए, अगर वैल्यू नहीं आ रही तो ब्लैक प्रोब यहाँ पे कीजिए, रेड प्रोब यहाँ पे कीजिए। तो सिर्फ दोनों कंडीशन में से एक साइड इसकी वैल्यू आएगी, वो भी कितनी आएगी, लगभग 500 के करीब। अगर वैल्यू नहीं आ रही है, बीप आ रही है, तो ये MOSFET खराब है सबसे पहले, नंबर एक। नंबर दूसरा, जब इसको MOSFET को बाहर निकाल दिया तो पिन नंबर उसी हिसाब से मल्टीमीटर को बीप की रेंज में रखना है और पिन नंबर 7 के ऊपर एक आपने प्रोब लगानी है, पिन नंबर 1 6 पे लगानी है, कोई भी एक प्रोब, कोई दिक्कत नहीं। ये कंडीशन करने के बाद बीप नहीं आनी चाहिए, और जब ये बीप नहीं आ रही तो आपने प्रोब को, यानी जो आपके हाथ में प्रोब होती है प्लस माइनस की, उसको चेंज कर लेना है। जो पिन नंबर 7 पे लगाई हुई है वो 6 पे लगा देनी है और 6 वाली 7 पे लगा देनी है, तो फिर भी बीप नहीं आनी चाहिए। अगर बीप आ रही है एक कंडीशन में तो ये आईसी खराब है। इसकी लगभग कुछ वैल्यू आएगी वो आगे मैं बता देता हूँ आपको कितनी रीडिंग आएगी इसकी। इसी हिसाब से पिन नंबर 6 और 5 को चेक करना है, अगर इसके अंदर बीप आ रही है तो ये आईसी खराब है। किसी साइड भी, यानी यहाँ पे रेड प्रोब या ब्लैक प्रोब लगाने के बाद, यहाँ पे रेड प्रोब लगाने के बाद बीप नहीं आनी चाहिए, और यहाँ पे आपने रेड प्रोब लगाई है और पिन नंबर 6 के ऊपर ब्लैक प्रोब लगाई है, तो भी बीप किसी साइड भी नहीं आनी चाहिए। अगर बीप आ रही है तो ये आईसी खराब है, नंबर एक।
और उसके बाद कुछ वैल्यू चेक करने के लिए वीसीसी और ग्राउंड पिन के अंदर आप मल्टीमीटर की प्रोब रख के अगर वैल्यू चेक करोगे तो लगभग 600 से ऊपर ऊपर वैल्यू यानी रीडिंग आनी चाहिए। ये रीडिंग आ रही है एक साइड तो आपकी आईसी ओके है, अगर रीडिंग नहीं आ रही किसी पिन भी के अंदर बीप आ रही है तो यह आईसी आपकी खराब है। तो इस तरह आप 3842 आईसी को चेक कर सकते हैं जो कि 8 पिन की होती है। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है या दिक्कत रह गई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें, और अगर आपके पास भी कोई टॉपिक हो तो आप अपना नाम, उस आईसी का नंबर और उस आईसी की टोटल पिन कितनी है वो आप मुझे लिख के कमेंट कर सकते हैं। उसके ऊपर भी वीडियो बनाई जाएगी और उसको आपके साथ डिस्कस किया जाएगा कि इसकी वर्किंग टेस्टिंग और किस तरह होगी। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत रह जाती हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना आपने। धन्यवाद जी।